ओम शांति। 3 अगस्त 75 अव्यक्तवाणी शिव शक्ति व पांडव सेना को तैयार होने के लिए सावधानी। माया से युद्ध में विजय प्राप्त कराने वाले, सर्व आत्माओं का कल्याण करने वाले, सर्व प्रकार के बंधनों व आकर्षणों से परे रहने वाले, सर्वोच्च सेनापति शिव बाबा ने रूहानी योद्धाओं के प्रति मनोहर शिक्षाएं व सावधानियां देते हुए ये मधुर और अनमोल महावाक्य उच्चारे। सभी योग युक्त और युक्ति युक्त स्थिति में स्थित होते हुए अपना कार्य कर रहे हैं, क्योंकि वर्तमान समय प्रमाण संकल्प वाणी और कर्म ये तीनों ही युक्तियुक्त चाहिए, तब ही संपन्न व संपूर्ण बन सकेंगे। चारों तरफ का वातावरण योगयुक्त और युक्तियुक्त हो, जैसे युद्ध के मैदान में जब योद्धे युद्ध के लिए दुश्मन के सामने खड़े हुए होते हैं, तो उनका अपने ऊपर और अपने शस्त्रों के ऊपर अर्थात अपनी शक्तियों के ऊपर कितना अटेंशन रहता है। अभी तो समय समीप आता जा रहा है, यह मानो युद्ध के मैदान में सामने आने का समय है। ऐसे समय में चारों ओर सर्व शक्तियों का स्वयं में अटेंशन चाहिए। अगर जरा भी अटेंशन कम होगा तो जैसे जैसे समय प्रमाण चारों ओर टेंशन बढ़ता जाता है, ऐसे ही चारों ओर टेंशन के वातावरण का प्रभाव युद्ध में उपस्थित हुए रूहानी पांडव सेना में भी पड़ सकता है। दिन प्रतिदिन जैसे संपूर्णता का समय नजदीक आता जाएगा तो दुनिया में टेंशन और भी बढ़ेगा, कम नहीं होगा। खींचातान के जीवन का चारों ओर अनुभव होगा, जैसे कि चारों ओर से खींचा हुआ होता है। एक तरफ से प्रकृति की छोटी छोटी आपदाओं का नुकसान का टेंशन, दूसरी तरफ इस दुनिया की गवर्नमेंट के कड़े लॉज का टेंशन, तीसरी तरफ व्यवहार में कमी का टेंशन, और चौथी तरफ जो लौकिक संबंधी आदि से स्नेह और फ्रीडम होने के कारण खुशी की भासना अल्पकाल के लिए रहती है, वह भी समाप्त होकर भय की अनुभूति के टेंशन में। चारों ओर का टेंशन लोगों में बढ़ना है, चारों ओर के टेंशन में आत्माएं तड़पेंगी, जहां जाएंगी वहां टेंशन, जैसे शरीर में भी कोई नस खींच जाती है तो कितनी परेशानी होती है, दिमाग खींचा हुआ रहता है, ऐसे ही यह वातावरण बढ़ता जाएगा, जैसे कि कोई ठिकाना नजर नहीं आएगा कि क्या करे। अगर हाँ करे तो भी खिंचावट, ना करे तो भी खिंचावट, कमाए तो भी मुश्किल, न कमाए तो भी मुश्किल, इकट्ठा करे तो भी मुश्किल, न करे तो भी मुश्किल, ऐसा वातावरण बनता जाएगा। ऐसे टाइम पर चारों ओर के टेंशन का प्रभाव रूहानी पांडव सेना पर न हो, स्वयं को टेंशन में आने की समस्याएं न भी हो, लेकिन वातावरण का प्रभाव कमजोर आत्मा पर सहजी हो जाता है। भय का सोच कि क्या होगा, कैसे होगा, इन बातों का प्रभाव न हो, उसके लिए कोई न कोई बीच बीच में ईश्वरीय याद की यात्रा का विशेष प्रोग्राम मधुबन द्वारा ऑफिशियल जाते रहना चाहिए, जिससे कि आत्माओं का किला मजबूत रहेगा। आजकल
सर्विस भी बहुत बढ़ेगी, लेकिन बढ़ने के साथ साथ युक्ति युक्त भी बहुत चाहिए। आजकल कोई सभी ज्ञानी तो आत्मा बनने नहीं आते हैं। एक क्वालिटी है बाप समान बनने वाली, जो बाप स्वरूप मास्टर बन जाते हैं। तो फर्स्ट क्वालिटी है बाप समान बनना। दूसरी क्वालिटी है सिर्फ बाप के संबंध में रहने वाले, और तीसरी क्वालिटी है सिर्फ बाप व सेवा के संपर्क में रहने वाले। आजकल संबंध और संपर्क में रहने वाले ज्यादा आएंगे, स्वरूप बनने वाले कम आएंगे। सब एक जैसे नहीं निकलेंगे। दिन प्रतिदिन क्वालिटी भी कमजोर आत्माओं अर्थात प्रजा की संख्या ज्यादा आएगी। उन्हें एक ही बात अच्छी लगेगी, दो नहीं लगेगी। सब बातों में निश्चय नहीं होगा। तो संपर्क वालों को भी उन्हों को जो चाहिए उसी प्रमाण उन्हों को संपर्क में रखते रहना है। समय जैसे नाजुक आता जाएगा, वैसे समस्या प्रमाण भी उनके लिए रेगुलर स्टूडेंट बनना मुश्किल होगा। लेकिन संपर्क में ढेर के ढेर आएंगे, क्योंकि लास्ट समय है ना। तो लास्ट पोज कैसा होता है? जैसे पहले उछल उमंग उत्साह होता है, वह विरला कोई का होगा। मेजॉरिटी संबंध और संपर्क वाले आएंगे, तो यह अटेंशन चाहिए। ऐसे नहीं कि संपर्क वाली आत्माओं को न परखते हुए संपर्क से भी उन्हें वंचित कर देवे। खाली हाथ कोई भी न जाए। नियमों पर बल नहीं चल पाते हैं, लेकिन वह स्नेह में रहना चाहते हो तो ऐसी आत्माओं का भी अटेंशन जरूर रखना है। समझ लेना चाहिए कि यह ग्रुप इसी प्रमाण तीसरी स्टेज वाला है, तो उन्हों को भी उसी प्रमाण हैंडलिंग मिलनी चाहिए। तो समय के प्रमाण वातावरण को पावरफुल बनाने की आवश्यकता है। ब्राह्मण बच्चों की साधारण रीति से दिनचर्या बीते वह आजकल के समय प्रमाण न होना चाहिए, नहीं तो वह प्रभाव बढ़ जाएगा। इसलिए विशेष रीति से वातावरण को याद की यात्रा से पावरफुल बनाने में सब बच्चों का अटेंशन खिंचवाना चाहिए। अपने को उस दुनिया के वातावरण से कैसे बचा सके? वह स्टेज क्या है? कर्मयोगी होते हुए भी योगीपन की स्टेज किसको कहा जाता है? इसी प्रकार की पॉइंट्स के ऊपर अब विशेष अटेंशन देना है, क्योंकि अब ड्रामा अनुसार चारों ओर बड़ी बड़ी सर्विस करने का टाइम कुछ समय के लिए मर्ज है ना। बड़े बड़े प्रोग्राम्स बाहर के नहीं कर पाते हो तो टीचर्स फ्री हुई बाहर की सर्विस, नहीं तो बाकी रही सेंटर पर आने वालों की सेवा। बाहर की सर्विस से बुद्धि फ्री नहीं, नहीं तो कहते हैं बहुत बिजी रहते हैं, प्लान्स बनाना मंथन करना, लेकिन अब तो वह भी नहीं है। तो अब याद की यात्रा की सब्जेक्ट के ऊपर ज्यादा अटेंशन देना है। कोई न कोई प्रोग्राम हर सेंटर पर चलना चाहिए, जो आने वालों में बल भर जाए। ऐसे समय पर वह भी न्यारे रहे, साक्षी होकर समस्या का सामना करे, उसके लिए याद का बल चाहिए। तो जब तक बाहर की सर्विस का नए नए प्लान्स का फोर्स कम है, तो कोई पॉइंट का जोर होना चाहिए, नहीं तो फ्री होकर फिर व्यर्थ का साइड ज्यादा हो जाएगा। सर्विस में बिजी रहने से
व्यर्थ की बातों से बचे रहते हैं। अभी वह सर्विस का स्कोप कम है तो जरूर समय बचेगा, वह फिर व्यर्थ वातावरण में समय जाएगा। इसलिए ब्राह्मणों को खबरदार होशियार करने के लिए स्वयं की सेफ्टी के लिए कुछ ऐसी पॉइंट्स व क्लासेज के प्रोग्राम्स बनाओ जिससे वह यह समझे कि हमें मधुबन लाइट हाउस से विशेष लाइट आ रही है। अच्छा, कारोबार तो ड्रामा अनुसार ठीक ही चल रही है। अभी की कारोबार से राज्य चलाने के संस्कार बढ़ते जा रहे हैं ना? राज सिंहासन और यह है राज आसन। राज्य करने वाले बनकर फिर उस सिंहासन पर बैठेंगे। राज्य करने वाले अर्थात अधिकारी बन गए। कोई भी आकर्षण के कर्म भोग या कर्म इंद्रियों के अधीन न हो, अधिकारी बनना है। अभी है राज आसन। योग के लिए आसन होता है ना? आसन पर स्थित होते हैं। आसन होता ही है बैठने के लिए, स्थिति होने के लिए। तो स्थिति में स्थित होना अर्थात आसन पर बैठना। तो जितना जितना आसन पर बैठने का अभ्यास होगा उतना ही राज सिंहासन पर बैठने का अभ्यास प्राप्त होगा। अभ्यास हो रहा है ना? नेचुरल रूप लेता जा रहा है, करना नहीं पड़ता लेकिन हो ही जाता है। स्वभाव ही ऐसा हो गया है। जैसे और कोई स्वभाव के वश कोई भी कार्य करना स्वतः हो ही जाता है, वैसे ही यह भी स्वभाव हो जाए। अधिकारी बने रहने का स्वभाव, योग लगाने का संकल्प किया और हुआ, बाबा कहा और योग लगा, यही समीपता की स्थिति है। बैठे ही आसन पर है। जैसे सिंहासन पर बैठा हुआ कब भूल सकता नहीं कि मैं राजा हूँ, ऐसे ही आसन पर अर्थात इस स्थिति पर स्थित हुआ यह भूल नहीं सकता कि हम अधिकारी हैं। सभी यथार्थ और युक्तियुक्त है। थोड़ा बहुत तो होता ही है और होना भी चाहिए, नहीं तो लास्ट पेपर्स कैसे होंगे? यह भी प्रैक्टिकल पेपर्स ही है। यह पेपर्स ही मार्क्स जमा कराते हैं। मार्क्स जमा होते होते पास विद ऑनर की लिस्ट में आएंगे। यह जो कुछ होता है वह पेपर्स के मार्क्स जमा होने के लिए है। सब बातों में जमा होना चाहिए, न सिर्फ याद की यात्रा में नहीं लेकिन चारों सब्जेक्ट्स में मार्क्स जमा होनी चाहिए, तब ही पास विद ऑनर होंगे। सफलता तो हर कार्य में पहले से ही नूंदी हुई है, फिर चाहे पर्दे के अंदर हो चाहे पर्दे के बाहर हो, कोई हालत में पर्दे के अंदर सफलता होती ही है और कोई हालत में प्रत्यक्ष सफलता होती है। है तो दोनों हालत में सफलता व प्रत्यक्षता। कुछ समय गुप्त को भी देखना पड़ता है, छिपे हुए को प्रत्यक्ष होने में कुछ समय लगता है, प्रत्यक्ष तो उसी समय दिखाई पड़ती है। यह भल छुपी हुई है परंतु है तो सफलता ही, वह तो मिट नहीं सकती। अच्छा, ओम शांति।